मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आज कथावाचक पंडित श्री अभिषेक शास्त्री के द्वारा भगवान के विभिन्न लीलाओं का श्रोताओं को श्रवण कराते हुए भगवान ने इंद्र का मान घटाने के लिए गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और 56 प्रकार के भोग लगाए। सभी श्रोताओं ने बाराती बन बड़े ही धूमधाम से गंधर्व विवाह संपन्न कराया। इस कथा में क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन भी महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए आए एवं वाचक पंडित श्री अभिषेक शास्त्री से निवेदन किया कि आप सभी श्रोताओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं एवं घर की महिलाओं को पति यदि शराब पीकर घर आते हैं तो भोजन ना देने की बात कहें। विदिशा से आशीष शैले की रिपोर्ट। आप गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं, आप मुझे ये बताएं कि भागवत का क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप है। तेने हम वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, वस्तुतः श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान ही है। हमारे यहाँ पुराणों में बहुत स्पष्ट वर्णन है कि जब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, काल आपके ऊपर आपको प्रतिबाधित नहीं कर सकता है, तो उस काल में श्री उद्धव जी के देखते देखते वहाँ स्पष्ट विवेचन है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवः, भगवान के शरीर से तेज पुंज ज्योति का निकलना हुआ और इस भागवत में समा गई। राम मंदिर पे क्या फैसला आया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? श्री राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का, सनातन धर्मियों की आस्था का एक मुख्य केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अन्य जो पक्ष है, जो श्री राम जन्मभूमि के लिए जितने भी पक्षकार थे, हम सबसे यह विनय और निवेदन करते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ विविध धर्मों के लोग रहते हैं और सब अपने अपने अनुरूप, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अपने सेव्य का सेवन करते हैं। हम निवेदन करेंगे वह सब भी अब आगे इस प्रपंच को ना बढ़ाएं और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। आपने गायों पे बताया गांवों को नहीं रख पा रहे हैं, क्या सरकार को गायों को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए? केंद्र सरकार से निवेदन तो हम लोग भी कर चुके हैं और राज्य सरकार ने जो गाय के लिए कदम उठाया है, गौशाला बना रही हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी शासन तंत्र हो, जब तक शासन तंत्र में प्रजातंत्र अपनी सहभागिता नहीं देगा, तब तक कोई भी उद्देश्य शासन का पूरा नहीं होगा। तो मुख्य ध्येय तो यह है कि जो किसान वर्ग है, जो पुजारी वर्ग है, जो गाय के नाम पे पूजन कर रहे हैं मंदिरों में, गाय के हिस्से की जमीन को कर रहे हैं, वो पुजारी वर्ग है, और जो किसान वर्ग है वो यदि गौ माता का रक्षण और संवर्धन करें और अपने अपने घर में से ही गाय को हम बाहर ना निकालें, तो हमको लगता है कठोर नियम भी बनना ही चाहिए गौ हत्या के लिए। और गौ रक्षा का एक सराहनीय कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है, केंद्र सरकार भी चिंता तो कर ही रही है, लेकिन प्रजातंत्र का सहयोग मिलेगा तो ही गाय की रक्षा हो पाएगी, केवल शासन के द्वारा तो नहीं हो सकती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।